नाजरीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। पाकिस्तान के साबक फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मौतिन हजरात मोहम्मद आमिर बोर्ड के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आपको बताते चलें, मोहम्मद आमिर इससे पहले भी 5 साल क्रिकेट की दुनिया से दूर रह चुके हैं। उन्होंने मैच फिक्सिंग की वजह से 5 साल सजा भुगती है, उसके बाद उनको दोबारा टीम में चांस दिया गया। लेकिन मोहम्मद आमिर क्रिकेट टीम में अपनी अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने की वजह से उन्हें टीम से बाहर बिठाया गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा और वो दिलबर्दाश्ता होकर क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मौतिन हजरात शोएब अख्तर का कहना है कि जब आपको 5 साल सजा के बाद दोबारा मौका मिला, अगर मुझे इस तरह का मौका मिलता तो मैं विकेट और पिच को फाड़ देता और मैं ऐसी की तैसी कर देता अगले बैट्समैन की और अपनी टीम में जगह बनाता। लेकिन मोहम्मद आमिर ने कोई इस तरह की कारकर्दगी शो नहीं की। नाजरीन, वकार यूनस का कहना है कि मोहम्मद आमिर का यह खुद का अपना फैसला है, उसमें क्रिकेट बोर्ड का इस पर कोई दबाव नहीं है। शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि मोहम्मद आमिर को दोबारा सोचना चाहिए, अभी उसमें क्रिकेट बाकी है। लेकिन नाजरीन, यहाँ हम आपसे पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है, मोहम्मद आमिर को अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए या इन्हें मजीद क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान के लिए? हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं और आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा।